श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5000 साल पूर्व जो गीता के उपदेश दिए थे उनका पालन करके आज तक कितने ही प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाया है। गीता उपदेश मानव जाति के लिए सूर्य के समान है जो अज्ञान रूपी अंधकार से भी मुक्ति दिलाता है। मानव जाति के लिए गीता के उपदेशों की उपयोगिता और सार्थकता सदा बनी रहेगी। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप ना तो बड़ा होता है ना ही छोटा। परमात्मा का हर स्वरूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर से जाकर मिलती है और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। यह संसार परमपिता का ही स्वरूप है और वो हर कण में विद्यमान है। ये गीता उपदेश वो परम सत्य है जिसे अपनाकर हर व्यक्ति दुख कलेश मुक्त होकर सफल सुखद जीवन जी सकता है। मनुष्य का संघर्ष जितना बाहरी होता है उतना ही आंतरिक भी होता है। सोच और कर्म का संतुलन ही सफल जीवन का मंत्र है। सही गलत और उचित निर्णय की दुविधा में फंसे व्यक्ति को गीता के इस उपदेश से मानसिक संबल और धैर्य मिलता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटक जाता है। किसी कर्म की सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ? असफलता भी तो ज्ञान के बहुत द्वार खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ से प्रेरित होकर फल की चिंता करते हैं कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी ख्याल में उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें फल कब मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता और ऐसे व्यक्ति से कोई संबंध भी नहीं बनाना चाहता। इसीलिए स्वार्थ से ऊपर उठें और दूसरे का हित भी सोचें। मन का स्वभाव है कि आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन में सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। परमात्मा का हर स्वरूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है वैसे ही हर धर्म मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। यह संसार परमपिता का ही स्वरूप है जिस वो हर कण कण में
विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुख होता है। अपनी पसंद नापसंद मोह बैर को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना आकर्षित कितना भी आकर्षित करे, उसके प्रलोभन में ना आए। कष्ट में रहते हुए अपना कर्म करना दूसरे की नकल करने से भी श्रेष्ठ है। अपने कर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सही मार्ग है, क्योंकि कर्म करना अकर्मण्यता से हमेशा बेहतर होता है। कर्तव्य में दोष देखकर पीछे ना हटें, क्योंकि हर कर्म में कोई ना कोई छोटा बड़ा दोष हो सकता है। जैसे अग्नि के साथ भी तो धुआं होता ही है। सदैव कर्म करते रहो। कर्म करने से पहले विचार करो, लेकिन बहुत ज़्यादा विश्लेषण मत करो। अधिक विश्लेषण समय और अकर्मण्यता पैदा करता है। ध्यान करने से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शारीरिक कर्म से ज्ञान का मार्ग उच्च है और ज्ञान मार्ग से भी ऊपर ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग पर बढ़ने से ईश्वर को भी अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर ज्ञान और अस्तित्व अवश्य अनुभव होता है। जो हर जगह हर जीव मनुष्य में ईश्वर को देखता है, सबके हित में लगा रहता है, उस पर परम पिता अवश्य कृपा करते हैं। ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, संपूर्ण प्रेम विश्वास ही आपको ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान की पूजा तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भगवान आपके मन में निवास करते हैं। उन्हें पता है कि आपका भाव क्या है। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक